हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड चिवड़ा, रोस्टेड पोहा, डाइट नमकीन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन को प्री हीट कर लिया है। उसमें हम अपने जो पेपर पोहा है, हमने पेपर पोहा लिया है, नॉर्मल पोहा नहीं लिया है। उसको ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, जैसे हम मतलब उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लेम डाउन कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें एकदम हाई फ्लेम पे पैन को हीट करना है। अब इसके बाद हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से मतलब चलाते रहेंगे, ताकि ये जले ना। अब ये देखिए, हम इसको हाथ से चेक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा कम क्रंची है, थोड़ा सॉफ्ट है, इसको और थोड़ा सा क्रंची होने देंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, इसको हम साइड में प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम क्रंची हो गया ये। हम गैस सिम पे करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसी पैन को दोबारा चढ़ा देंगे। उसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। हमारे पास 3 से 4 कप पोहा है, तो उसमें हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। गैस थोड़ी सिम कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे। लोग इसमें काजू, बादाम, मूंगफली, नमकीन, अपनी पसंद से काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, उन सबको भी स्टिर फ्राई कर लेते हैं इसी के साथ। बाकी मुझे अपना एडिशनल और कुछ चीज़ें इसमें पसंद नहीं है, सिर्फ पेपर पोहा, मिर्ची एंड कड़ी पत्ता। और इसमें थोड़ा सा हम हींग ऐड करेंगे, आधा छोटी चम्मच। जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाए, इसमें हम 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। और बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं सॉल्ट को। इसके बाद अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लोग इसमें शुगर पाउडर भी ऐड करते हैं, अगर उनको मीठी खानी होती है। बाकी मुझे स्पाइसी पसंद है, इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। अब हम इसमें अपना ये जो रोस्ट करके पोहा रखा था, इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे हम, और इसको तब तक चलाना है जब तक पूरा पोहा येलो कलर में मिक्स ना हो जाए, मतलब एक एक पोहा येलो ना हो जाए। इससे हमारे जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से इस पोहे में मिक्स हो जाएंगे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको चाय के साथ स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे पोहे में कलर मिक्स होता जा रहा है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें गैस ऑफ कर देनी है। देखिए, अभी थोड़ा सा रह रहा है, तो इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास पेपर पोहा नहीं है, तो आप नॉर्मल पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी पेपर पोहा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम इसको एक बॉल में सर्व कर लेंगे, और बाद में ठंडा होने के बाद इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर दीप, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो।